ये जो रेड प्रॉप हमने यहाँ पे लगा रखी है बीच वाले ग्राउंड पे, और यहाँ पे हमने लगाया, देखो इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब 32 रीडिंग आ रही, 31 प्लस बीप की आवाज़ कर रखी है, देखिए ये घूम रहा है, कंपन कर रहा है। ओके, रहा मल्टीमीटर, ये सही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट, मैं पंकज कुशवाहा। यार एक बात का बड़ा हमें ताज्जुब लगता है कि यार बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो मेरे पास आते हैं जो 8-8 साल से काम कर रहे हैं, यार उनको यार माइक की टेस्टिंग नहीं पता है, स्पीकर की टेस्टिंग नहीं पता है, रिसीवर की टेस्टिंग नहीं पता है, वाइब्रेटर की टेस्टिंग नहीं पता है। बस कहते हैं वो बीप करता है बजर मोड पे और सही है। क्या यार, उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कि बड़ा मुझे यहाँ पर जैसे मेरा बैच शुरू होता है उसमें कुछ ही लोग हैं जो हैं इसकी टेस्टिंग सही से जानते हैं, बाकी लोग सब बजर मोड पर चेक करते हैं। रियलिटी ऐसे ही होता है। तो चलिए आज के बाद आप लोगों की कन्फ्यूजन और चीज़ें सब खत्म, परफेक्ट टेस्टिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू रह सकते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगर हम बात करें माइक की, तो माइक हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में दो तरीके के लगे होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल लगा होता है और एक लगा होता है तुम्हारा डिजिटल माइक। डिजिटल है और चाइना माइक भी कहते हैं, यूनिवर्सल भी माइक कहते हैं। तो माइक की टेस्टिंग हमेशा जो होती है वो आप, कुछ लोग कहते हैं बजर मोड पे करते हैं, ठीक है वो तुक्का लग गया, लेकिन अगर यूनिवर्सल अगर आपके पास माइक आता है तो आप इसको मल्टीमीटर को 20 किलो ओम पर सेट करके चेक करते हैं। कितने? 20 किलो ओम पे सेट करेंगे और जो रीडिंग है इसकी कितनी आएगी, 0.90 से 1.50, ये इसकी परफेक्ट रीडिंग है। चाहे आप प्रॉप को ऐसा लगाओ, चाहे प्रॉप को पलट के लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे, टेस्टिंग करा के दिखाएंगे, क्योंकि यार इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। अब बात करते हैं डिजिटल माइक की। तो डिजिटल माइक को जब आप चेक करेंगे, अब इसको आप बजर मोड पर चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए आपको एक प्रॉप इसके ग्राउंड पर आपको लगानी पड़ेगी जो माइनस से रहा है, और अगर इस पर लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, इस पे लगाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। बताइए, इस तरीके से आपको जो है चेक कर लेना है, वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे 1 मिल रहा है तो ये मतलब कि माइक जो है ओपन कर रहा है। अगर ये वाले पॉइंट भी अगर बीप कर रहे हैं तो माइक जो है शॉर्ट होता है। बताइए, एक वैल्यू आ रही तो ओपन होता है। इस तरीके से डिजिटल माइक को चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आते तुम्हारे जो है रिसीवर, जिससे आप आवाज़ सुनते हो, तो रिसीवर में की क्या टेस्टिंग होती है, REC। तो रिसीवर की टेस्टिंग क्या है, तो रिसीवर की टेस्टिंग है मल्टीमीटर को हम कहाँ सेट करेंगे, बजर मोड पे। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी खाली बीप होता है, बीप बजने दो बस, सही है। अरे भाई मेरे, भी आपको दिखाएंगे बीप तो तब भी बजेगा जब उसका सब कुछ निकाल दोगे। तो बजर मोड पे चेक करेंगे तो इसकी टेस्टिंग होगी जाके 28 से 32 इसकी वैल्यू आएगी, प्लस बीप की आवाज़ करेगा मल्टीमीटर यार, तो ये परफेक्ट टेस्टिंग इसकी। इससे ज़्यादा आप जैसे माइक चेक करोगे थोड़ी बहुत वैल्यू कम आ रही है, सही नहीं है। आप उसको लगाए हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको नहीं ठीक तो हो चल फिर रहे हो लेकिन जुकाम तो है ही है, ऐसे इसके अंदर है कुछ ना कुछ, इसके अंदर माइनर सी जो है प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और है तो चलते रहते हैं। अब नए माइक भी लोग ले आते हैं तो उसके अंदर भी वैल्यू 80 या उससे कम की वैल्यू मिलते हैं, लेकिन माइक आप वही लगा देते हो। तो चेक करके लगाओ ना परफेक्ट तरीके से। अब बात है स्पीकर की टेस्टिंग के लिए, तो अगर हमें स्पीकर को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, रिंगर, और जिसमें रिंगर और स्पीकर दोनों लगे होते हैं एक ही, उसकी भी टेस्टिंग यही है SP के। इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को बजर मोड पर सेट करना है, 8 से 12 वैल्यू प्लस बीप की आवाज़ करेगा मल्टीमीटर, तो ये सही है। ओके, तो ये होगी टेस्टिंग जाके। अब बात ही वाइब्रेटर की, कुछ लोग कहते हैं भैया वाइब्रेटर को हम लोग किससे चेक कर लेते हैं, मोटर से। भैया अरे उससे मल्टीमीटर से नहीं चेक होती टेस्टिंग इसकी, क्योंकि मोटर है भाई 3.7 वोल्ट की, आप बैटरी यूज़ करो आप, या फिर आप DC मशीन यूज़ करो 3.7 पर सेट करके, कंपन करे तो सही है यार। बिल्कुल सिंपल चीज़ें यार, ये भी आपको नहीं आती हैं, है बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब आपको दिखाते कहते हैं ना स्पीकर बीप कर रहा है तो सही है, ऐसे कैसे बीप कर रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये है तुम्हारा स्पीकर, देखिए कितनी लेयर इसके अंदर है स्पीकर के अंदर, आपने देखा ऊपर कवर लगा है जिसमें धूल मिट्टी जम जाती है, इसके स्पाइडर है, फिर ये है लेयर, फिर कॉयल लगी है, फिर मैग्नेट है, प्लेट है, प्लास्टिक केस है, इतनी लेयर होती हैं। ये जो स्पाइडर देख रहे हैं ना स्पाइडर, अगर इस स्पाइडर में अगर आप होल कर दोगे, होल
अगर छेद हो जाएगा तो क्या फटी फटी आवाज़ आएगी भाई मेरे, फटी फटी बजेगा स्पीकर। इसको भी तुमने हटा दिया, ये भी इस तो मैंने केसिंग में डाल दिया, मैग्नेट भी आपने हटा दिया, ये क्योंकि क्वाइल लगी है मेरे भाई, इसलिए ये बीप करता है क्वाइल की वजह से। बात समझ में आई? ये क्वाइल की वजह से जो है बीप करता है। तो आप कभी जब अगर आप चेक करिए तो बीप से मतलब नहीं है, उसके साथ में उसकी रीडिंग भी आनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले हम क्या है माइक टेस्ट करते हैं, 20 किलो ओम पे सेट कर लेते हैं। मैंने इनकी प्रॉप छीन ली है तार मतलब माइक के, एक प्रॉप ये लगाई एक ये लगाया, यहाँ पे रीडिंग आ रही 1.99 यानी कि 0.90 के बीच में है ना, तो ये माइक सही है। इसके बाद ये भी नया माइक है, इसको भी अभी हम चेक करते हैं। ये 76 आ रहा है, यानी कि नया माइक इसकी वैल्यू कम आ रही है, 90 से 150 के बीच होना चाहिए। आप कहो सर जी प्रॉप को पलट के लगाइए, प्रॉप को पलट के लगाते हैं वही आ रही है। ओके, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये माइक बेकार है, यानी कि काम नहीं करेगा उस जिस तरीके से। चल माइक को चेक करने, अभी वाला मीटर यूज़ करते हैं, बजर मोड पर सेट है। ये जो रेड प्रॉप हमने यहाँ पर लगा रखी है बीच वाले ग्राउंड पर, और यहाँ पर हमने लगाया, देखो इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब दूसरे वाले पॉइंट पर भी वैल्यू आ गई, मतलब दोनों पॉइंटों पर जो है वैल्यू आ रही है। तो जब दोनों पॉइंटों पे मतलब वैल्यू आएगी तो ये भी माइक सही है। अब हमारा मल्टीमीटर बजर मोड पे है, हम लोग रिसीवर चेक करेंगे, पहले हम प्रॉप चेक कर लेंगे बीप करके क्लियर है कि नहीं है। मल्टीमीटर में 0 आना चाहिए, सही है मल्टीमीटर। रिसीवर लेंगे, रिसीवर को लिया हमने ऐसा रिसीवर जो सही से जल्दी से चेक हो जाए। क्या बताई थी मैंने इसकी टेस्टिंग, 28 से 32 प्लस बीप की आवाज़, 32 रीडिंग आ रही, 31 प्लस बीप की आवाज़ कर रहा है मल्टीमीटर, ये सही है। अब हम बात करते हैं रिंगर के, उसको भी बजर मोड पे चेक करना है। तो इसकी बताई थी 8 से 12 प्लस बीप की आवाज़, तो कितनी रीडिंग आ रही है, 7 रीडिंग आ रही है, यानी एक पॉइंट कम है, यानी 8 आनी चाहिए 8 से 12 के बीच में। ओके, इसको भी चेक कर लेते हैं, 8 रीडिंग आ रही है, ये परफेक्ट आपका रिंगर है। ओके, अब आप बात आती है वाइब्रेटर, तो वाइब्रेटर जो है चेक नहीं होता है, तो हम चेक करेंगे उसको बैटरी से, बट ये आपको दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि ये कंपन करेगा यहाँ पे और आवाज़ शायद आप सुन सको, ये भू भू कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो बैटरी से आप इसको इस तरीके से लगा के चेक कर सकते हो। ओके, इस वाले को देखते हैं, ये शायद डैमेज है, नहीं चला, एक सेकेंड आप ध्यान से देखिए, देखिए ये घूम रहा है, कंपन कर रहा है। ओके, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स थे और आप लोग इनको चेक करने में गलतियां कर रहे थे। थैंक यू, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।